नंबर 9 कैपेसिटर का क्वेश्चन 4. कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू अ लार्ज नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस बाय अ बैटरी ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज वी. फॉर दिस अरेंजमेंट इफ द कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड एंड द रेजिस्टेंस इज 1 मेगा ओम, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द कैपेसिटेंस टू रिसीव 90% ऑफ इट्स फाइनल चार्ज. अब ये इस नई बुक में बिल्कुल नया टाइप का सवाल आया है. 1 मेगा ओम का मतलब है 10^6 ओम, 10 माइक्रोफेरेड 10 × 10^-6 और क्यू की वैल्यू 90% है किसके फाइनल चार्ज के, यानी 0.9 Q′ या फाइनल चार्ज के. देखो इसमें जो फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू क्यू डैश यानी फाइनल चार्ज, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी. अब आर सी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस. अब देखो 10^-6 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 × 10 = 10, ये आ गया 10 टी वैसे ही है. अब ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये जो क्यू है ये 90% है क्यू नॉट का, यानी 0.9 Q0 के. तो यहाँ क्योंकि जब हमें 0.9 Q0 कैंसिल, यहाँ से 0.9 बचा, यहाँ से 1 माइनस ई की पावर माइनस 2, ये 1 उधर ले जाए तो 0.9 माइनस 1 माइनस 0.1, माइनस माइनस कैंसिल, अब ये आ गई बात. अब आपको जो है ना लॉग लेना पड़ेगा ये एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए, वो कौन सा वाला, ln वाला, क्योंकि e को ख़त्म ln करता है. तो भाई ये ख़त्म कर देगा, यहाँ से माइनस टी अपॉन 10 बचेगा और ln 0.1 हम देखेंगे कितना होता है. ln 0.1 होता है -2.3, ये नीचे वाला 10 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ का माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 2.3 × 10 23 सेकेंड, और ये इस क्वेश्चन का आंसर.